नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के दुमका से। दो दिवसीय दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन पहुंचे दुमका। जेएमएम के 42वें स्थापना दिवस पर करेंगे शिरकत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिवसीय दौरे पर सोमवार की शाम हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचे। यहां डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, डीसी रामेश्वरी बी एवं एसपी अम्बल लकड़ा के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहां मुख्यमंत्री का स्वागत किया, वहीं जिला पुलिस के जवान ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद दिशम गुरु शिबू सोरेन भी पहुंचे। उल्लेखनीय है कि झारखंड अलग राज्य निर्माण के संकल्प को लेकर 2 फरवरी 1978 को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका में पहली बार झारखंड दिवस मनाया था। तब से झामुमो के इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब मई में होगी। झारखंड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब मई में आयोजित होगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अभी तक जैक ने 9 मार्च से परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब परीक्षा की तिथि अप्रैल से बढ़ाकर इसे मई में आयोजित करने का निर्देश विभाग ने दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही जैक को इस संबंध में नई तिथि लागू करने को कहा था, जिसमें बताया गया था कि दूसरे राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं मई में आयोजित की जा रही है। इसी तरह झारखंड में भी परीक्षा की तिथि मई तक बढ़ाई जाए, ताकि बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। मालूम हो कि कोरोना काल में कक्षाएं बंद कर दी गई थी और इसी बीच नया सिलेबस लागू कर दिया गया था, जिसके बाद बच्चों को नए सिलेबस के अनुसार परीक्षा की तैयारी करने के लिए काफ़ी कम समय दिया गया। अभी जनवरी में मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है, जिसमें भी अभी तक 12वीं के सभी संकाय के प्रश्न पत्र जारी नहीं किया गया है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। दिल्ली के वार मेमोरियल में लिखा गया साहिबगंज के वीर का नाम। गलवान घाटी में दी थी शहादत। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी फौजियों से मुठभेड़ में बलिदान देने वाले साहिबगंज जिले के डिहारी गांव के जवान कुंदन कुमार ओझा का नाम दिल्ली के वार मेमोरियल में अंकित किया गया है। इस सूचना के बाद से यहां के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उनके बलिदान पर अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म बनाने की भी घोषणा कर रखी है। मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे कर्नल संतोष बाबू का गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। कुंदन कुमार ओझा के बलिदान के समय उनकी बेटी मात्र 15 दिन की थी। बलिदान के बाद जब उनका शव यहां पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए कोरोना संक्रमण के बावजूद हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देंगे पारा शिक्षक। पाकुड़िया प्रखंड के पारा शिक्षक अपनी सेवा स्थायीकरण व वेतनमान के लिए 10 फरवरी को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर वादा पूरा करो धरना में शामिल होंगे। यह जानकारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोस्वामी ने दी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रखंड इकाई की बैठक मंगलवार को होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अपनी सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान के लिए लगातार 15 वर्षों से आंदोलनरत है। राज्य में कई सरकारें आती जाती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण के लिए नहीं सोचा। खबर है झारखंड के देवघर से। 9 बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 7 बाइक भी बरामद। बाइक चोरों के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक की चोरी व चोरी की बाइक को बेचने वाले गिरोह में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 7 बाइक बरामद की गई है। साथ ही इनके पास से बाइक के पार्ट पुर्जा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जो बाइक बरामद की है उनमें 3 हीरो स्प्लेंडर प्रो, 1 हीरो स्प्लेंडर प्लस, 2 हीरो स्प्लेंडर, 1 हीरो सुपर स्प्लेंडर शामिल है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। आदिवासी संगठन संगल अभियान की ओर से रविवार को सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मधुपुर आसनसोल रेल मार्ग बीच स्थित काशीटाड़ हॉल्ट रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती, बैनर, परंपरागत ध्वनि विस्तार यंत्र, डुगडुगी लेकर शामिल हुए। तकरीबन 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया गया। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। चांडिल में नदी में डूबे बोकारो के इंजीनियर का शव बरामद। चांडिल थाना क्षेत्र के ज्यादा में स्वर्ण रेखा नदी में डूबे बोकारो के इंजीनियर मनीष कुमार का शव सोमवार को पुलिसकर्मियों और एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला।
शव चट्टान में फंसा था। शव निकाले जाने पर उसके माता पिता और बहन भी नदी किनारे मौजूद थे। मनीष की कुछ दिन पहले ही नौकरी लगी थी। पहली सैलरी मिलने पर दोस्तों को पार्टी दी थी। रविवार को 8 दोस्त बोकारो से चांडिल के ज्यादा पहुंचे थे। पिकनिक मनाया जा रहा था। नदी में नहाने में मनीष पानी की गहराई में चले गए और वह डूब गए। खबर है झारखंड के लातेहार से। लातेहार के महुआ टाण में बिना खाता खोले ही बैंक ने ऋण वसूली का थमाया नोटिस। ग्रामीण हुए परेशान। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत महुआटाड़ प्रखंड में झारखंड राज्य वनांचल ग्रामीण बैंक के द्वारा ऋण वितरण में फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब बैंक ने कई ग्रामीणों को नोटिस भेजा। जिन्हें नोटिस भेजा गया था उनमें से कई महिलाओं का वक्त बैंक में खाता ही नहीं है, जबकि अन्य महिलाओं ने भी बैंक से ऋण लिया ही नहीं है। बैंक के द्वारा प्रखंड के खुजूर तल्ला गाँव की 16 महिलाओं को ऋण की वसूली के लिए नोटिस भेजा गया। इन महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कभी किसी भी बैंक से ऋण लिया ही नहीं और न ही कभी इसके लिए आवेदन ही दिया। ऐसे में ऋण वसूली के लिए नोटिस मिलने से वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। खबर है झारखंड के गुमला से। 35,000 का चालान काटने पर ड्राइवर ने खुद पर डीजल उजाड़कर आत्मदाह का किया प्रयास। झारखंड के गुमला के रायडी में जांच के दौरान 35,000 रुपए का चालान काटने पर ड्राइवर ने खुद पर डीजल उजाड़कर जलाने का प्रयास किया। रायडी थाने के पास वाहन जांच के दौरान यह घटना घटी। जांच में सभी कागजात सही पाए गए, लेकिन ट्रक चालक निगम निगसिया जो जिले के डुमरी प्रखंड के जुर्मू गाँव के रहने वाला था का लाइसेंस जाली मिला। इस पर डीटीओ कर्मियों ने 25,000 रुपए का जुर्माना भरने की बात कही। चालक द्वारा पैसा नहीं होने की बात कहने पर उन लोगों ने जुर्माना की राशि बढ़ाकर 35,000 कर दिया। इससे बौखलाए ट्रक चालक ने आनंद फानी में पेट्रोल पंप से एक गैलन डीजल लेकर ट्रक और खुद के शरीर पर छिड़क लिया और आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिस बल के जवानों ने उसे रोका और समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही ट्रक को भी पानी से धुलवाया और चालक को कपड़ा बदलवाकर भेज दिया गया। खबर है झारखंड के गढ़वा से। प्रोत्साहन राशि के फर्जीवाड़े मामले में सिविल सर्जन समेत 13 लोगों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। स्वास्थ्य विभाग गढ़वा में फर्जीवाड़ा का कर बंध्याकरण मद की प्रोत्साहन राशि गबन करने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्ष 2015 से 18 तक 3 वर्षों में 2.38 करोड़ रुपए फर्जीवाड़ा किए जाने के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रांची के प्रशासकीय पदाधिकारी द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम ने कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जांच रिपोर्ट सौंप दी है। गढ़वा के तत्कालीन सिविल सर्जन समेत 5 कर्मियों व 8 निजी अस्पतालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुशंसा की है। इसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई के लिए सरकार उप सचिव गुरु शरण भगत ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अवर सचिव को लिखा गया है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 2 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ तथा गिरिडीह में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से हुए बदलाव के कारण झारखंड में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट यानी चेतावनी जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। झारखंड के आदिवासी इलाकों में खुलेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बजट में शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसके तहत झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। झारखंड सरकार का बड़ा सौगात। मुख्यमंत्री ने दिया प्रस्ताव बनाने का निर्देश। खुलेंगे 2 नए फार्मेसी कॉलेज। राज्य में 20 साल बाद भी एकमात्र सरकारी फार्मेसी कॉलेज। राज्य में 2 और नए फार्मेसी कॉलेज खोलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को 2 नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके लिए पूर्व में निर्मित भवनों का ही उपयोग किया जाएगा। नया भवन निर्माण कराने की योजना अभी नहीं है। राज्य में सरकारी स्तर पर मात्र 1 फार्मेसी संस्थान रांची के बरियातू में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त बिहार में हुई थी। राज्य गठन के बाद यहाँ 1 भी फार्मेसी संस्थान नहीं खुला है। फरवरी में भी नहीं चलेगी अमृतसर और अजमेर स्पेशल ट्रेन। कोहरे के चलते दोनों ट्रेन रद्द। जनवरी के बाद फरवरी महीने में भी कोलकाता अमृतसर स्पेशल और कोलकाता अजमेर स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे ने दोनों ट्रेनों को फरवरी में भी रद्द करने की घोषणा की है। इसी तरह धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस को भी फरवरी माह में हर गुरुवार को धनबाद से और हर शनिवार को फिरोजपुर से रद्द करने की घोषणा की है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे का हवाला देते हुए रेलवे ने 50 ट्रेनों को रद्द किया है। CBSE बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आई बड़ी खबर। CBSE का नया नियम। नए नियम के अनुसार CBSE के छात्र अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें
कि कई छात्र गणित या विज्ञान जैसे विषयों में पास नहीं कर पाते, जिनके कारण उनका साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे छात्र कंप्यूटर या किसी दूसरे स्किल में अच्छे हैं तो सिर्फ एक या दो विषय में अच्छे अंक नहीं होने की स्थिति में उन्हें फेल करने का काम नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि छात्र स्किल सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो फेल हुए सब्जेक्ट से उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 सब्जेक्ट के आधार पर उसका परसेंटेज निकालने का काम किया जाएगा। CBSE की इस पहल का अभिभावक, छात्र और शिक्षक ने स्वागत किया है। विधायकों के बिगड़े बोल पर भड़के अफसरों ने चताया अपमानजनक बातें हमें बर्दाश्त नहीं। झारखंड के प्रशासनिक सेवा संघ के आपात बैठक में रविवार को निर्णय लिया गया कि विधायकों और अथवा जनप्रतिनिधियों के स्तर से अपमानजनक बातें हुई तो अधिकारी ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। अधिकारी खासतौर पर दुमका विधायक बसंत स्वरण और माडर के विधायक बंधु तिर्की के बयान से आहत है। संघ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आगे ऐसा किया गया तो राज्य के सभी अफसर ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। झारखंड में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब जूनियर क्लास शुरू करने की तैयारी चल रही है। कक्षाएं इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि मार्च माह से शुरू हो जाएगा। इन स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अब खतरा काफ़ी कम हुआ है। इसके बाद कम से कम 6ठी कक्षा के छात्र स्कूल आ सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग इस मामले में 6ठी से 12वीं कक्षा शुरू करने को लेकर शिक्षकों से राय भी ले रहा है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।